तो अब आपका क्वेश्चन आएगा अगला, द नंबर ऑफ डिफरेंट एन क्रॉस एन सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक क्या होता है? इफ़ देर इज़ अ मैट्रिक्स, उसका आप ट्रांसपोज करते हो एंड दैट मैट्रिक्स इज अगेन इक्वल्स टू ए, देन वो क्या मैट्रिक्स होता है? देन दैट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब सबसे पहली कंडीशन क्या है मैट्रिक्स के ऊपर? दैट द मैट्रिक्स शुड बी सिमेट्रिक विद ईच एलिमेंट बींग जीरो और वन, ये दूसरी कंडीशन है। सो द एलिमेंट कैन बी जीरो और वन। ठीक है, सो एन क्रॉस एन के मैट्रिक्स हैं। सो एन क्रॉस एन के लिए सोचना थोड़ा मुश्किल है, सो लेट टू बाय टू मैट्रिक्स। ठीक है, सो टू बाय टू मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए कंडीशन के लिए अगर आपको बनाना है, इन जनरल आप क्या बना सकते हो? ए कैन बी टू बाय टू मैट्रिक्स हैं तो फोर एलिमेंट्स होंगे ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, ए कैन बी जीरो और वन, सो टू पॉसिबिलिटीज ए के लिए, फिर बी के लिए भी टू पॉसिबिलिटीज एंड सी के लिए भी टू पॉसिबिलिटीज एंड डी के लिए भी टू पॉसिबिलिटीज। सो क्या हो जाता है? टू की पावर फोर पॉसिबल मैट्रिसेस पॉसिबल होते। ठीक है, टू की पावर फोर मैट्रिसेस पॉसिबल होते टू बाई टू मैट्रिक्स अगर क्या होता? सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होता। ठीक है, बट हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या बोल रहा है? एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक में क्या होता है? ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, एंड एक और इसके अंदर एक हिडन चीज़ होती है, वो क्या होती है? ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई। इसका क्या मतलब हुआ? ए टू थ्री इज इक्वल्स टू ए थ्री टू, ए वन टू इज इक्वल्स टू ए टू वन, इस तरह से कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो अगर मुझे ए बी सी डी मैट्रिक्स, ये तो जनरल हो गया, बट अगर मुझे इस तरह से एग्जांपल लेना है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, देन ए एंड डी एज इट इज़ आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज डायगनल पे कंडीशन नहीं होगी। सिर्फ ये क्या है, ये जो एलिमेंट है ये कौन सा है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सो ए वन टू एंड ए टू वन दोनों इक्वल होने चाहिए, यानी कि बी इज इक्वल्स टू सी होना चाहिए। सो अगर आप यहाँ पे बी लिखते हो, देन यहाँ पे भी आपको बी लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो टू बाई टू मैट्रिक्स में अगर आप जनरल टर्म्स में बात करते हो, यानी कि जनरल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक छोड़ दो, अगर आप जनरल टर्म्स में बात करते हो तो चार नंबर्स हैं, बट अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करते हो तो टू बाई टू मैट्रिक्स में सिर्फ तीन नंबर्स हैं, ए बी एंड डी। ठीक है, सो ए बी एंड डी के हिसाब से सोचना होगा, ए बी एंड डी। सो तीन प्लेसेस आपको फिल करनी है। ठीक है, तीन चीज़ों के बारे में सोचना है और चारों प्लेसेस फिल हो जाएंगी, बिकॉज द टू प्लेसेस नीड टू बी इक्वल, बिकॉज द मैट्रिक्स नीड टू बी सिमेट्रिक, ये उसने कंडीशन दी हुई है। ठीक है, नाउ द प्लेस ए कैन बी जीरो और वन, सो दो केसेस हो गए। द प्लेस बी कैन बी जीरो और वन एंड डी कैन बी जीरो और वन इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, सो इंडिपेंडेंटली जब भी होता है तो मल्टीप्लाई होता है, सो ये हो जाएगा टू की पावर थ्री इज इक्वल्स टू एट। ठीक है, सो व्हेन एन इज इक्वल्स टू टू का केस लिया ना मैंने, सो व्हेन एन इज इक्वल्स टू टू एट पॉसिबल केसेस, तो हम ऑप्शन बाय ऑप्शन मैच करवाते हैं। ठीक है, सो एन इज इक्वल्स टू टू के लिए देखते हैं, ऑप्शन क्या है? ए है टू एन, सो फॉर एन इज इक्वल्स टू टू ये कितना आएगा? 2 इंटू टू कितना आया? 4, सो ये ऑप्शन नहीं मैच करेगा। फिर बी ऑप्शन आपका होगा 2 की पावर n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये आपका आएगा 16 नहीं है क्योंकि हमारे 8 केसेस आ रहे हैं। ठीक है, फिर सी होगा आपका 2 की पावर n स्क्वायर, यानी कि आपका 4 माइनस n यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 केसेस भी आपके नहीं आएंगे, तो ये भी ख़त्म हो गया, तो ये आपका ऑप्शन बन के निकलना चाहिए। तो कितना आएगा? 2 की पावर 2 यानी कि 4 प्लस n यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 केसेस,
तो ये जो हमने 2x2 का केस लिया है जिसमें 8 केसेस और 8 मैट्रिसेस पॉसिबल निकल के आ रहे हैं, उस हिसाब से ये ऑप्शन जो है दैट इज कंपैटिबल, ठीक है। सो ये आपका डी इसमें राइट ऑप्शन होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी आपको एक पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल ये एन इंटू एन मैट्रिक्स की बात कर रहा है, तो आप एन क्रॉस एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में नहीं सोच सकते, बट 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप कुछ पॉसिबिलिटीज अपने हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है। सो 2x2 के हिसाब से इमेजिन करना पॉसिबल है, ईजी है, बट एन बाई एन के हिसाब से इमेजिन करना, थिंग्स को इमेजिन करना, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। सो इसलिए 2x2 मैट्रिक्स लेके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। तो ये आपका क्या है भैया, आपका ये गेट का ही प्रॉब्लम है, ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन है। अब ये किस ब्रांच का है ये मेरे को नहीं पता, ठीक है। सो ये आपका सॉल्यूशन होगा।